बहुत सारे गांवों में हमने अपने कार्यकाल में पानी पहुंचाया है, वो सब इसी इन्हीं की आशीर्वाद से हुआ है। बहुत सारे विकास कार्य हमने अपने कार्यकाल में शुरू किए थे। प्रदेश में काम की सरकार आने से विकास कार्य धीमे पड़ गए हैं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग सब कुछ जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धूमल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सरकार चला रहे, जब ये दिल्ली जाते थे तो ये अनेक अवार्ड लेने के लिए जाते हैं, अनेक अवार्ड लेने के लिए जाते थे। और आज का मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह दिल्ली जाते हैं तो जमानत लेने के लिए जाते हैं, जमानत लेने के लिए। शेम। प्रिय मित्रों, अब इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। मैं आप सबको विश्वास लाना चाहता हूं कि सरकार बनने पर विकास कार्यों को आर्य धूमल जी के आशीर्वाद से विकास कार्यों को गति दी जाएगी। ये प्रदेश की 21वीं रैली है। इससे पहले 20 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां हो चुकी हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जगह जगह जाकर सवाल पैदा होता है। 15 फरवरी को प्रदेश का नेतृत्व बिलासपुर में बैठा था और अपने अपने जिले की सबने रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट मिली कि कहीं खनन माफिया काम कर रहा है, कहीं वन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं शराब माफिया, कहीं ड्रग माफिया, तो कहीं ट्रांसफर माफिया। अर्थात इस प्रदेश में अगर कुछ भी होता है तो कोई ना कोई माफिया उस काम को करता है। तो राज कांग्रेस के हाथों से निकलकर माफिया के हाथ चला गया है और इन रैलियों के माध्यम से हमने देखा कि लोगों के पास जाए, उनसे चर्चा करें, प्रदेश के हालात के बारे में बताएं, तो हर जगह जाकर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोग इस तरह इंतजार में हैं कि कांग्रेस सरकार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। नौजवान भी समझते हैं कि उन्हें धोखा दिया। कर्मचारी कल विधानसभा के सत्र के बाद जब हम आ रहे थे, मुझे लगता है महेश्वर सिंह जी और गोविंद जी तो लंबा चक्कर काट के निकले होंगे। विधानसभा के बाहर सारे टीचर्स प्रदेश के आकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज आपने अखबारों में देखा होगा वो हवन यज्ञ कर रहे थे कि सरकार को सद्बुद्धि मिले। हम तो कहते हैं सद्बुद्धि का टाइम गया, अब तो जल्दी जल्दी सरकार जाए, इसको सदगति मिले। कर्मचारियों को ठगा था ये कहकर कि आपको 4914 हम 2006 से देंगे, धूमल ने तो 2009 से दिया है और 2012 से भी उनको नहीं मिला। अब तक बहुत सारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 4914 का लाभ नहीं मिला, डीए की किस्तें टाइम पर नहीं मिलती, प्रमोशन टाइम पर नहीं हो रहा है, तो कर्मचारी भी नाराज है। मजदूर की दिहाड़ी बढ़ाने में अंतिम समय आया तो दिहाड़ी बढ़ाने लगे और तब तक मजदूर रिटायर हो चुके थे, बहुत सारे सरकारी विभागों में है कितने। और फिर होमगार्ड जब कहते थे हमारा भत्ता बढ़ाओ तो कहा तुम तो बीजेपी के हो, तुम तो धूमल के हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट में गए
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में किया, अब उनका अलाउंस बढ़ा तो बड़ा बोर्ड लगा दिया, हमने अलाउंस बढ़ा दिया। होम गार्ड वाले भी नाराज, पुलिस वाले नाराज, 24 घंटे जिनकी ड्यूटी होती है उनको एक महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा मिलती है।